So next problem, dear student, let f of x equals to 2x plus 3, g of x equal to 3x plus 4 and h of x equal to 4x. Find GOF, FOG, FOH and GOH. तो सबसे पहले आपको जो गिवन में दिया हुआ है वो मैं लिखूंगा. आपको सबसे पहले एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x प्लस 3, देन आपको जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, माय डियर स्टूडेंट जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x प्लस 4, और आपको एच ऑफ एक्स दिया हुआ है, एच ऑफ एक्स दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट 4x. तो आपको फाइंड करने के लिए बोला है, उन्होंने फाइंड करना है फर्स्ट जी ओ एफ. तो जी ओ एफ का मीनिंग है, अभी मैंने कॉम्पोजिट फंक्शन में आपको बताया था, ये कॉम्पोजिट फंक्शन का प्रॉब्लम है. इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन के प्रॉब्लम. जब भी आपको जी ओ एफ पूछा जाएगा तो इसका मीनिंग होता है कि जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, जी ओ एफ और आगे ब्रैकेट में एक्स लिख देना है. और इसे आप कैसे लिखोगे माय डियर स्टूडेंट, तो पहला क्या है जी है, तो जी लिखोगे और आपको स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और ओ छोड़ देना है, एक ओ छोड़ देना है, ब्रैकेट में लिखना है आपको एफ ऑफ एक्स, राइट, ऐसे लिख देना है माय डियर स्टूडेंट. तो देखिए यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी लिखना है और एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए 2x प्लस 3 है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 2x प्लस 3, ब्रैकेट में लिख दीजिए 2, देखिए ना एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स आपके पास 2x प्लस 3. और अब आप ध्यान से देखिए जी ऑफ, जी की वैल्यू कौन सी, देखिए जी की वैल्यू आपकी, जी की वैल्यू कौन सी 3x प्लस 4, जी की वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट 3x प्लस 4. ध्यान से देखिए यहाँ पे बाहर क्या है जी है, राइट, तो आपको जी की तरफ देखना है, जी की तरफ, और जी में क्या है 3 है, तो पहले लिख दीजिए 3, और इस x की जगह, इस x की जगह आपको लिखना होगा ये 2x प्लस 3, इस x की जगह आपको क्या लिखना होगा 2x प्लस 3. तो देखिए x के पास आपको लिखना होगा 2x प्लस 3 ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे प्लस 4 लिखना होगा, ये प्लस 4, राइट. फिर से बताता हूँ जी ओ एफ होगा, तो जी ओ एफ के बाद ब्रैकेट में x लिख दीजिए, और आपको आगे ये जी एज इट इज लिखना है, ओ लिखने की जरूरत नहीं है, और स्क्रेट ब्रैकेट में लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास, एफ ऑफ एक्स है आपके पास 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 लिख दीजिए. अब ब्रैकेट के बाहर क्या है जी है, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है जी, तो इस इक्वेशन की तरफ ध्यान से देखिए क्या है वो 3x प्लस 4, तो आपको क्या करना है 3 लिखना है, बट x की जगह, इस x की जगह आपको लिखना होगा जो ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में 2x प्लस 3 है, तो आपको x की जगह लिखना होगा 2x प्लस 3 और प्लस 4. तो देखिए 3 इंटू 2 होगा 6, और यहाँ पे x, देन प्लस 3 इंटू 3 होगा आपका 9, और यहाँ पे आपका प्लस 4. तो देखिए ना ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2 होगा 6, और बाद में आपको x लिखना होगा, प्लस 3 इंटू 3 होगा आपका 9, और ये प्लस 4, तो आपको लिखना होगा 6x प्लस 9 प्लस 4 होगा आपका प्लस 13. ये आंसर मिला आपको माय डियर स्टूडेंट जी ओ एफ का. सो इसे आपको ब्रैकेट में दे दीजिए. अब आपको सेकंड फाइंड करना है, यहाँ पे देखिए अब आपको सेकंड फाइंड करना है, सेकंड फाइंड करना है एफ ओ जी. तो एफ ओ जी के लिए आपको क्या, मैंने पहले बोला एफ ओ जी, इसके बाद आपको लिख देना है एक्स, देन आपको क्या करना है, ये जो एफ है ये एफ लिखिए, ओ लिखने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली ब्रैकेट में लिख दीजिए जी ऑफ एक्स, तो आपको लिख देना है जी ऑफ एक्स इसे, देन एफ एज इट इज. अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो देखिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x प्लस 4, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दीजिए 3x प्लस 4 ऐसे, 3x प्लस 4, देखिए ना जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 4. अब आपको क्या करना है, बाहर क्या है एफ है, तो यहाँ पे देखिए एफ यहाँ पे, तो इसका इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3, इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3, तो आपको 2 लिखना होगा, मगर इस x में आपको x नहीं लिखना होगा, इस x की जगह आपको क्या लिखना होगा 3x प्लस 4, तो इस x की जगह आपको ये ब्रैकेट में जो भी वैल्यू हो लिखनी होगी 3x प्लस 4, और बाद में कितना है प्लस 3, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे प्लस 3. तो देखिए देखिए ना एफ ओ जी, तो इसके बाद एफ ओ जी के बाद मैंने बोला है ब्रैकेट में x दे दीजिए, देन एफ एज इट इज लिखिए, ओ मत लिखे, और ब्रैकेट में दीजिए जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3x प्लस 4, तो लिख दीजिए 3x प्लस 4. अब आपको एफ चेक करना, एफ यहाँ पे उसका इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3, तो आपको जो एक्स है एफ के इक्वेशन में जो भी एक्स है उस एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी होगी 3x प्लस 4, तो इस एक्स की जगह आपको लिखना होगा 3x प्लस 4, तो देखिए 2 a2, देन इस x की जगह क्या लिखना है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4,
एंड देन ए प्लस थ्री, तो ए प्लस थ्री, तो देखिए अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, टू इंटू थ्री कितना होगा सिक्स, और ए एक्स प्लस टू इंटू फोर कितना होगा एट, और ए प्लस थ्री आपका एज इट इज, देखिए ना टू इंटू थ्री सिक्स और ए एक्स एज इट इज, प्लस टू इंटू फोर कितना होगा एट, और ए प्लस थ्री एज इट इज, तो यहाँ पे आपका सिक्स एक्स प्लस एट प्लस थ्री कितना इलेवन, तो ये मिला आपको एफ ओ जी, तो यहाँ पे आपको इसे ब्रैकेट में दे देना है। अब आपको थर्ड फाइंड करना क्या है, एफ ओ एच, तो एफ ओ एच, एफ ओ एच मीन्स आपको लिखना है एफ ओ एच और उसके बाद ब्रैकेट में मैंने बोला एक्स दे देना है, तो आपको लिखना होगा ये एफ, ये जीरो लिखने की जरूरत, ओ लिखने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट में डायरेक्टली दे दीजिए एच ऑफ एक्स, तो आपके पास एच ऑफ एक्स कितना है, देखिए फोर एक्स है, तो इसकी वैल्यू आपको पुट कर देनी होगी यहाँ पे ब्रैकेट में, कितनी है फोर एक्स है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है एच ऑफ एक्स की फोर एक्स, तो फोर एक्स, अब आपको फिर से एफ देखना होगा ब्रैकेट के बाहर का एफ, तो एफ यहाँ पे देखिए एफ, तो एफ की वैल्यू क्या है टू एक्स प्लस थ्री, तो आपको लिखना होगा टू, मगर इस एक्स में आपको पुट करना होगा अभी फोर एक्स, एक्स की जगह आपको पुट करना होगा फोर एक्स, तो फोर एक्स ले लीजिए और प्लस आगे क्या है माय डियर स्टूडेंट प्लस थ्री, तो आपको लिख देना होगा प्लस थ्री, देखिए ना एफ ब्रैकेट के बाहर एफ है, तो एफ का इक्वेशन एफ की वैल्यू क्या है टू एक्स प्लस थ्री, बट इस एक्स की जगह आपको पुट करना होगा फोर एक्स, क्या पुट करना होगा ये फोर एक्स, तो देखिए टू, तो टू और इस एक्स की जगह आपको पुट करना होगा फोर एक्स, तो फोर एक्स पुट कर दीजिए और यहाँ पे क्या है प्लस थ्री, यहाँ पे प्लस थ्री, तो टू इंटू फोर होगा एट और एक्स एट एक्स, टू इंटू फोर कितना होगा एट और एक्स एज इट इज और प्लस थ्री एज इट इज, ये मिल गया आपको एफ ओ एच, तो आपको इसे ब्रैकेट में दे देना होगा एफ ओ एच, एंड देन फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर पे आपका जी ओ एच, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा जी ओ एच इज इक्वल्स टू जी ओ एच, और इसके बाद आपको लिखना होगा एक्स, तो मैंने पहले बोला ये जी लिख दीजिए, ये ओ मत लिखे और ब्रैकेट में डायरेक्टली लिख दीजिए एच एक्स, एच एक्स लिख दीजिए, तो देखिए ये जी एज इट इज और एच एक्स की वैल्यू कितनी, एच एक्स की वैल्यू है यहाँ पे फोर एक्स, तो यहाँ पे लिख दीजिए फोर एक्स, राइट फोर एक्स लिख दीजिए, अब आपको जी चेक करना है, तो जी देखिए यहाँ पे जी और जी की वैल्यू कितनी थ्री एक्स प्लस फोर, तो आपको लिखना है थ्री एक्स प्लस फोर, मगर थ्री और ये जो एक्स है, ये जो एक्स है थ्री और ये एक्स है वो छोड़ दीजिए, प्लस कितना यहाँ पे फोर है फोर, तो आपको जो एक्स है इस एक्स की जगह आपको पुट करना होगा ये फोर एक्स, जो भी ब्रैकेट में हो, तो एक्स की जगह इस एक्स की जगह आपको पुट करना होगा ये फोर एक्स, तो फोर एक्स पुट कर दिया, तो देखिए थ्री इंटू फोर कितना होगा ट्वेल्व और एक्स, थ्री इंटू फोर कितना होगा ट्वेल्व और एक्स और ए प्लस फोर, तो इसका आंसर आया जी ओ एच का ट्वेल्व एक्स प्लस फोर, तो ये आंसर मिल गया आपको ट्वेल्व एक्स फोर, ट्वेल्व एक्स प्लस फोर।